नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहां दो फिगर्स दे रखी हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसमें देखो ये ट्रायंगल में डी इज पैरेलल टू बी सी बता रखा है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी बताया है, और ए ई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर और डी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर बताई हुई है। तो यहां हमें ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, जैसे कि हमने थर्ड थ्योरम में पढ़ा था, फ्रॉम थेल्स थ्योरम वी हैव डी इज पैरेलल टू बी सी। तो थेल्स थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा कि व्हेन ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग एट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो यहां पे ए डी, ए डी अपॉन डी बी हम बताएंगे ए ई अपॉन ई सी। तो जहां जहां जिस जिस की वैल्यू हमें पता है हम उसे रख देते हैं। ए डी की वैल्यू बता रखी है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन डी बी की वैल्यू बता रखी है 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू, ए ई की वैल्यू बता रखी है 1 सेंटीमीटर और ई सी की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम ये फाइंड करते हैं। तो यहां ई सी को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ई सी इधर ले जाओ, 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइंग बाय ई सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइंग बाय 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू, ई सी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइंग बाय 3 सेंटीमीटर, पहले से इधर है यहां पे है, होल डिवाइडिंग बाय इधर से 1.5 सेंटीमीटर इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और ये डेसिमल हटाओ ऊपर 10 लगाओ, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। तो ये वैल्यू अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दुनी 10, तो अब ईसी आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो 2 1 2 1 2, तो 2 और ये सेंटीमीटर बच गया था, तो हमारे पास यूनिट भी सही आ रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ईसी की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर बचेगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहां पे इस फिगर में बता रखा है कि ए डी, ये डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो यहां फिर अगेन डी ई इज पैरेलल टू बी सी बताओ, देन फ्रॉम थेल्स थ्योरम हम बताएंगे, फ्रॉम थेल्स थ्योरम हमें क्या पता चलेगा कि व्हेन ए लाइन डिवाइडिंग इंटरसेक्ट, व्हेन ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ए डी, ए डी अपॉन डी बी, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन होना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा है ये वाला, तो वैसे ही ये सेकंड पार्ट भी होगा। ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए ई, यहां पे ए डी की वैल्यू नहीं पता, ए डी की वैल्यू नहीं पता तो इसको ए डी ही रख देते हैं। डी बी की वैल्यू पता है, ये है 7.2 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइंग ये डिवाइडिंग बाय 5.4 सेंटीमीटर, तो ए डी आ जाएगा। तो ए डी हम बताएंगे, ए डी इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ये 7.2 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 7.2 सेंटीमीटर होल डिवाइडिंग बाय 5.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एडी क्या बचेगा, देखो यहां पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ओके, और इस डेसिमल से नीचे एक लगाओ एक जीरो लगाओ, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 लगाएंगे यहां पे नीचे, तो इसका मतलब अब हमारे पास 18 1 जा 18 18 3 जा 54, और 3 से ये डिवाइड होगा, 3 दुनी 6 और एक बचा 3 चौक
12, तो ये 24 सेंटीमीटर ऊपर बचा और नीचे आया 10, तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी इज इक्वल टू, अभी डेसिमल कहां है, यहां पे है, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर जंप कर जाए।